जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। और आज आपके स्पैम को एनालाइज करेंगे और आपके भविष्यफल के बारे में जानेंगे। आपकी करेंट एज अभी 30 ईयर्स है एंड आप मेल हैं, आप हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हैं। आप जानना चाहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में कुछ खास चीज़ें, जैसे कि जो आपकी हॉबी है और जो आप करना चाहते हैं दुनिया के लिए, कुछ लेके आना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, आपके कुछ आगे के सपने हैं जिन्हें आपने पूरा करना है, खासकर साइंटिफिक चीज़ों के प्रति आपका रुझान है और उन चीज़ों के प्रति आपने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है अभी तक का, और उन्हीं में ही आगे जाना चाहते हैं। तो कहीं कुछ ऐसा करना जिससे दुनिया के लिए और दुनिया के लोगों के लिए दुनिया में रहना आसान हो सके और उनकी बहुत सारी मुश्किलें दूर हो सके। आप एक लंबे अरसे से इस पे कार्य कर रहे हैं और इसमें अपनी सफलता को लेकर थोड़े से सशंकित हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ शेयर करा जाए कि क्या वास्तविकता में आप अपनी सफलता प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कुछ खास चीज़ें होती है जो मैं आपको बता दूं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना कार्य करते हैं लेकिन हमें उतनी सफलता नहीं मिलती। इसके बहुत सारे रीज़न बताए जाते हैं। जब आप दुनिया को बताओगे तो लगता है शायद उतनी अच्छी सी मेहनत नहीं हुई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक बार हम मेहनत करते हैं लेकिन कभी कभी हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। किस्मत भी कोई चीज़ होती है। किस्मत क्या होती है, यानी जो आज के हमारे कर्म है वो कल की किस्मत होती है। आज कहीं ना कहीं हम कुछ कमी करते हैं, वो कल हमें किस्मत के रूप में प्राप्त होती है। कई बार ये पूर्वजन्म से भी संबंधित होती है, क्योंकि जो भी हमारे जन्म जन्मांतर के जो भी कर्म है वो हमें समय समय पर आगे मिलते रहते हैं। बिकॉज एज ए सोल आप एक हैं और वो सिर्फ शरीर बदलती है, तो इसी अनुसार आपके जो कर्म फल हैं वो आपको प्राप्त होते रहते हैं सोल को, ठीक है। तो उस हिसाब से भी चीज़ें कभी कभी हमारे खिलाफ चली जाती है। तो जो आपका प्रश्न है उस पे आएंगे और जानेंगे उन चीज़ों को। कुछ जो खास माउंट है उनके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके जुपिटर माउंट से। जुपिटर की क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है और किस प्रकार आपके लिए यहाँ पे कार्य करे। जुपिटर बहुत ही अच्छी स्थिति में है, एक बेहतर स्थिति में, ठीक है। ये आपको सपोर्ट करने वाली है, एक बेहतर स्थिति तक लेके जाने वाली है। फिलहाल इनमें थोड़ी सी मुश्किलें चल रही है, ठीक है। ये मुश्किलें आपके लिए कब तक चलेंगी, ये मुश्किलें चलेंगी जब आपकी एज 34 होगी उस समय तक, ठीक है। उसके उपरांत चीज़ें ये आपको सपोर्ट करने की स्थिति में आ जाएगी। फिलहाल ये अपना अपने लिए स्थिति को बेहतर करने में लगी हुई है और निश्चित तौर पे एक अच्छी स्थिति तक जाएगी ही जाएगी, ठीक है। इसलिए आपको परेशान होने की जैसी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको उचित मान सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा और सोसाइटी में अपने काफ़ी अच्छा नाम ये देने वाली है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शक नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आपके सैटर्न माउंट पे। सैटर्न की क्या स्थिति है, सैटर्न आपकी अच्छी स्थिति में, काफ़ी बेहतर स्थिति में। सैटर्न ने बहुत ही बेहतर डेवलपमेंट करा है, ठीक है, और काफ़ी अच्छी स्थिति में लेके चली जा रही है। आपको आयुष दे रही है, आपको धन दे रही है, आपको मान सम्मान की स्थिति भी, अपमान जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं कर रही और मान सम्मान की तरफ आपको लेके जा रही है, ठीक है। तो फिनेंशियली भी आपको एक बेहतर स्थिति में लेके जा रही है, बेहतर इन द कि बहुत ज़्यादा बेहतर, जिसे मिलियनेयर बिलियनेयर कहते हैं ना, उस तरीके की स्थिति में ये आपको पहुंचा के ही छोड़ेगी। इसमें भी आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये निश्चित है, ठीक है। सन की बात करेंगे। सन में प्रॉब्लम है जो कि आपके लिए मुश्किल हालातों को इसने पैदा कर रखा है इवन बचपन से, ठीक है, और इसी के कारण आप ऐसी मुश्किलों से अभी जूझ रहे हैं जो कि अप्रत्याशित है आपके लिए। सब कुछ करने के बाद भी हमें वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो रही हैं, ठीक है। इसका कारण है सूर्य का कमजोर होना, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहद मुश्किल स्थिति में है, ठीक है। इनके लिए वर्क करना है, इनको बेहतर करने के आपने उपाय करने हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। क्या रेमेडी इसके लिए हो सकती है, वो सारी चीज़ें व्हाट्सएप के थ्रू आपसे हम शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसे बेहतर करना अत्यंत आवश्यक है, माइनस में है, बस यही समझ लिया। इसके बाद बुध की क्या स्थिति है। आपके ना बुद्धि और विवेक में तालमेल का अभाव है, ठीक है। इसे थोड़ा सा आपको डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। किस तरीके से डेवलप करना पड़ेगा, एक तरीके से दुनिया उसे बेशर्मी कहती है, लेकिन उस तरीके से, क्योंकि कई बार क्या होता है, हम चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ हमारी चीज़ों में कमी रह जाती है और दुनिया उस पर हंसती है तो हम बुरा मान जाते हैं या तकलीफ में आ जाते हैं, उसने हंसा। बिकॉज सीधा एक ही मतलब समझ लो, उसके पास इतनी फुर्सत है कि हंस सकता है, तभी वो हंसा, यानी वो कामयाब नहीं हो पाया है, वो असफल है, वो लूजर है। उसका काम है हंसना, उसका काम है आपकी गलतियां निकालना, उसका काम है सिर्फ आपके आप में उंगली करना, ठीक है। जो गलत बोलने वाले लोग होते हैं, जो उंगली करने वाले लोग होते हैं, जो हंसने वाले लोग होते हैं, वास्तविकता में वो लूजर होते हैं। बस एक ही डिफिनेशन है उनकी, वो कभी कुछ न कर पाए हैं न कर पाएंगे, और वो आपको भी अपनी कतार में लेके आना चाहते हैं, ठीक है। जितना हंसे ना उतना ज़्यादा और स्ट्रांग बनो। सोचो कि नहीं, मुझ में कुछ जान बाकी है तभी लोग अभी तक हंस रहे हैं, और ये वास्तविकता है, रियलिटी है।
सब पे लोग नहीं हंसते, कभी नहीं हंसते, सिर्फ उसी पे हंसते हैं जिससे उन्हें डर होता है अंदर ही अंदर, उनकी हार्ट बीट बढ़ी होती है कि बंदा कुछ करके दिखा देगा। जब देखा कि कुछ नहीं हुआ, वाह, मतलब इतनी बेहतर शांति मिलती है ना, पूछो मत। डर्मिकुल पाउडर नरोत्तन तेल लगा लो, फिर भी उतनी ठंडक ना मिलती होगी जितनी वो बंदों को मिल जाती है उस टाइम में, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ हो ना, तो ऐसा मत सोचो कि मैं हार गया, मैं लूज हो गया, कहीं से कुछ प्रॉब्लम है, कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं हुआ है। वास्तविकता में राह में जैसे रोड़े आते हैं ना, रोड पे हम चल रहे हैं, कहीं कोई पत्थर आ गया, कंकड़ आ गया, चुभ गया, आह निकलती है, बस वैसे ही आह है, उसे निकाल के फेंको, बढ़ते रहो, ठीक है, वो कांटा हमेशा के लिए नहीं है। बस इसी तालमेल की हमने कमी, इस तालमेल को बढ़ाया, अब साइंटिफिक रूप से आगे की तरफ जा रहे हैं और अब दुनिया को एक बेहतर नायाब तोहफा देंगे, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है, ठीक है। एक आपका सवाल था और सवाल से ज्यादा वो चीज आप में उपस्थित हो रही है, बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही है, वो ये है पिता के साथ संबंध और पैतृक संपत्ति के साथ की परिस्थितियां, वो आपके साथ जुड़ने वाली है, वो आपको प्राप्त होगी, उसमें किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही लंबी और पेचीदा लीगल प्रक्रिया होगी जो कि जब वो आपको मिलेगी उस समय उसका कोई मूल्य आपके लिए नहीं रह जाएगा, लेकिन भावनाएं चूंकि आपकी जुड़ी हुई है इसलिए वो चीज़ें प्राप्त होंगी, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया के बाद, ठीक है। चलिए ऊपर चलते हैं, मंगल की स्थितियों को देखते हैं। मंगल की स्थिति काफ़ी बेहतर है, यहाँ पे आपके लिए अच्छा काम कर रही है, आपके हौसले को आप अपने बनाए रखिए, जिस दिन आपका आत्मविश्वास खत्म हो गया उस दिन आप खत्म हो गए, बस यही समझ लो, ठीक है। दूसरे मंगल की स्थिति थोड़ी सी मुश्किल है, इसलिए जो मैंने आपको बताया लीगल सिचुएशन थोड़ी आपके लिए मुश्किल होगी, मैरिज जितनी जल्दी हो सके आप निपटा लो, ठीक है, वो आपके लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि भाग्योदय आपका अटका पड़ा है, ठीक है। जैसे ही होगा वैसे भी वर्किंग पर्सन मिलेगी और जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस डायरेक्शन में आपको हेल्प करने वाली और बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली, इवन कि मेडिकल आपके लिए गॉड की तरह होगी, ठीक है। एक काम जितनी जल्दी हो सके आप कर लो, ऑलरेडी समय आपका चल रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी से निपटाना आपको चाहिए। शुक्र की स्थिति अच्छी है, घर वाहन सुख सुविधाएं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी और दुनिया को भी आप काफ़ी कुछ इसमें देने जा रहे हैं, ठीक है। आयु रेखा की स्थिति अच्छी है, काफ़ी बेहतर है, 70+ आप जा रहे हैं। मस्तिष्क रेखा की स्थिति में थोड़ी सी मुश्किलें हैं जो आपको डिप्रेशन में डालती है, बार बार पीछे की तरफ करती है, इससे बिल्कुल ना घबराएं, बने रहें, सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी और बहुत ही आगे तक आपको लेके जाने वाली है, दुनिया को सिखाने वाले हो, खुद तो सीख लो पहले, ठीक है। आई मीन कि बात बात पे ना लूज मत होना, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो उतना, आप सब कुछ है एनर्जी, लेकिन कॉन्फिडेंस ना होने के कारण क्या है कि उन चीज़ों का ना आप फायदा उठा रहे हो, दुनिया फायदा उठा पा रही है, ठीक है, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। और जो आपका समय है वो बस जल्द शुरू होने वाला है, बेहतर शुरू होने वाला है और उसके बाद आप बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा करने वाले हैं, काफ़ी बेहतर जाने वाले हैं, ठीक है। तो उससे किसी प्रकार की कोई समस्या आपके साथ यहाँ पे नहीं आ रही है, सब बेहतर जा रहा है, शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा है, एकमात्र शादी होगी, ठीक है, सर्वप्रथम एक बेटी उसके बाद एक बेटे के योग आपके लिए बन रहे हैं। निकट भविष्य कैसा रहने वाला है, जो अभी आपकी एज है इसमें निकट भविष्य आपको देने वाला है ऑलमोस्ट नवंबर 2019, ठीक है, जुलाई टू नवंबर 2019, अभी 18 पूरा छोड़ दो, आपको रिजल्ट देगा एक बेहतर, एक तरीके से आपको क्या उसे कहते हैं, पीठ पे हाथ डालेगा, थोड़ी सी क्लैपिंग आपके लिए होगी जो आपके लिए एक आगे बेहतर रास्ता तैयार करने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। ये समय है बस लर्निंग का, उसमें पीछे मत हटो, नहीं तो आगे का जो क्रीम मिलने वाला है ना उससे आप वंचित रह जाओगे, वैसे किस्मत में मिलनी है तो मिलनी ही है, लेकिन तब ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है, जब पसीना बहुत ज़्यादा हो और एसी में आप जाओ, बस उसी तरीके की बात होगी। और सारी सिचुएशन अच्छी है, जीवन में बस जीत लिखी हुई है, हार जैसा कुछ नहीं है, आत्मबल बनाए रखना, जिस दिन खुद से हार गए दुनिया नहीं छोड़ेगी, ठीक है, दुनिया को बस अपने नज़र से देखो, किस नज़र से, जिस नज़र से तुम्हें हौसला मिले, उस नज़र से मत देखो जिससे तकलीफ पैदा हो, ठीक है, क्योंकि वो माया है, वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो बस आपको गिराने के लिए होती है, नज़र से देखो कि नहीं वो हंस नहीं रहा है, वो मुझे प्रोत्साहित कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाया है, उसकी उम्मीद मैं हूँ,
ये सोचो मनी मन और हंस दो उस पे फिर, ठीक है कि बेटा सही करा तुमने यार, समय पे तुमने लाफिंग करी है, ठीक है। बंदे ऐसे ही सही होते हैं, आते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में बहुत सारे, पूछो मत। ऐसी बढ़िया ट्रीटमेंट करता हूँ कि फिर भगवान का नाम लेते हुए चले जाते। जय श्री राधे, फिर मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी और कुछ ना व्हाट्सएप पे आ जाइए, ठीक है। जय श्री राधे।